दैसरपुर के विद्या मंदिर हॉल में शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के तरफ से सम्मान स्त्री शक्ति चा कार्यक्रम का भव्य आयोजन शिवसेना की माजी नगर सेविका तेजस्वी अभिषेक गोशालकर द्वारा किया गया था, जिसमें महिलाओं हेतु विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन यहां पर किया गया। इस मौके पर मिस दहीसरकर मिसेस दहीसरकर प्रतियोगिता की विजेताओं को ताज पहनाकर उन्हें सम्मान किया गया। यह कार्यक्रम महिलाओं का हौसला बढ़ाने के उद्देश्य से यहां पर शिवसेना द्वारा किया गया था। विभिन्न क्षेत्रों की 25 से अधिक महिलाओं को इस मंच से सम्मानित करने का कार्य किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में शिवसेना के उपनेता विनोद घोषालकर, आमदार बिलास पोतनीस, विभाग प्रमुख उद्देश पाटेकर, महिला विभाग संगठक श्रीमती सुजाता सिंगाड़े, मुंबई बैंक के संचालक अभिषेक घोषालकर विशेष अतिथि के रूप में यहां पर गायिका वैशाली सावंत, अभिनेत्री शिवानी बावकर, अभिनेता विशाल कोटियान, मिस इंडिया गोवा शिवानी सेल्डकर सहित भारी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे। पेश है खास रिपोर्ट। आज शाखा क्रमांक 1, 2, 7 आणि 8 अशा शाखेतल्या महिलांचा आज या ठिकाणी मंगळागौरचा कार्यक्रम आयोजित केला होता। आज या कार्यक्रमाला शिवसेनेचे महिला आघाडीच्या नेत्या या ठिकाणी उपस्थित राहिले। ज्योतिताई ठाकरे असतील, मीनाताई कांबळी असतील, विशाखा राऊत असतील, त्याचप्रमाणे संजना गाडी होत्या। या सर्व महिला एकजूट आज शिवसेनेच्या ताकद आहेत, त्या सर्व महिला या ठिकाणी उपस्थित होत्या। मी धन्यवाद व्यक्त करतो तेजस्वी घोसाळकर आणि सुजाताताई शिंगाडेचे, ज्यांनी आज हे संयोजन आणि आयोजन या ठिकाणी केलं आणि मोठ्या संख्येत महिलांनी आज खूप मनमोकळेपणे आनंदात हा कार्यक्रम या ठिकाणी साजरा केला। सगळ्यांनी एन्जॉय केलं आणि सगळ्या महिला आनंदात होत्या। सगळ्यांनी आपल्या वेगवेगळी कला, नृत्य, डान्स, ग्रुप डान्स, आज जर आपण बघितलं फॅशन शो, दहीसर चे फॅशन शोचं पण आपण या ठिकाणी आयोजन केलेलं होतं। मिस दहीसरकर आणि मिसेस दहीसरकर हेही विजेते आज या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आम्ही या ठिकाणी अनाऊन्स केलेले आहेत। खूप अशी धमाल मस्ती या ठिकाणी झालेली आहे आणि असंच कार्यक्रम हे शिवसेना नेहमी करत असते, महिलांचा आदर करत असते, महिलांचा सन्मान करत असते आणि याच पद्धतीने आम्ही पुढेही काम करत राहू। आज बघितलं की ही महिला शक्ती जर आमच्या बरोबर असेल तर माझ्या मते कुठलाही गट, आम्हाला कुठलाही पक्ष हा शिवसेना उद्धव ठाकरेंना या ठिकाणी हरू शकत नाही। आज कितीही गद्दारी झाली तरी पैशासाठी झालेली हे आज पुन्हा एकदा या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी दाखवून दिलेलं आहे। खोके बोके हे होत राहणार, पण जे एकनिष्ठ आहेत, जे शिवसैनिक आहेत कट्टर, ते नेहमी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मागे, बाळासाहेब ठाकरे यांचा जो विचार आहे ते पुढे घेऊन जाणार। आज ये पहली बार एक दो और सात और आठ का प्रोग्राम हुआ है। पहली बार अलग कुछ तो करना था इसके लिए, महिलाओं के लिए सम्मान स्त्री शक्ति का ऐसा टाइटल लेके हर प्रकार का डांस रखा था, फैशन शो रखा था, पैठणी का खेल रखा था, वेशभूषा विनर रखा था, ऐसे अलग अलग स्त्रियों महिलाओं के लिए जैसे कि उन लोग इंजॉय कर सके वैसे हम लोगों ने ये अलग सा प्रोग्राम रखा था और ये पहली बार दहीसर में हुआ है, इसका मुझे अभिमान है। नहीं, ये स्त्री शक्ति का सम्मान, ये हिंदू जो सन है उसमें श्रावण महीना ये पवित्र असरा ऐसा माना जाता है और उसमें ये श्रावण महीने में स्त्री शक्ति को बहुत ऊंचा स्थान दिया है। और जैसा हमारा मंगला गौरी का कार्यक्रम, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, लेकिन आज स्त्री शक्ति का सम्मान हमारे दहीसर विधानसभा के जितने कार्यकर्ते महिला है वो खुद, कोई प्रोफेशनल नहीं थे, खुद ने अपना अपना जो कला है वो कला पेश की और
वैशाली सामंत जी महाराष्ट्र की पार्श्वगायिका है सुप्रसिद्ध, उसका भी एक गाना इधर हुआ और वो रिलीज होने वाला है, मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली। स्त्रियों के लिए स्पेशल बनाया हुआ जो ये कार्यक्रम है मंगला गौर, वो आज मुझे अटेंड करने का मौका मिला। इसी बहाने ये साज श्रृंगार करने का मौका मिला, नहीं तो आजकल करियर के जोन में हम खुद के लिए श्रृंगार करना भूल जाते हैं। सो आज मैंने जैसे समझो घर पे आए हैं ऐसा फीलिंग था। अभिषेक जी ने बहुत अच्छा, बहुत ही नेक कार्यक्रम आयोजित किया था, उनकी वाइफ तेजस्वी और उनका उनकी पूरी टीम, महिलाओं के लिए जो आज उन्होंने ये रंगारंग कार्यक्रम रखा है, आई थिंक मैंने जो देखा सब महिलाएं बहुत खुश थी, बहुत सुंदर दिख रही थी। अंदर से जब सुंदरता खिलती है तो वो नज़ारा ही कुछ और होता है।